फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम इस मशीन से रिलेटेड और कहाँ पे ये मशीन चल रही है, क्या काम कर रही है, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आप लोगों को। और ये मशीन किस तरीके से चलती है, कहाँ पे चल रही है, तो आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस पूरी वीडियो को जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को चलो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए हुए हैं बेंगलोर मैसूर तरफ आए हैं, कर्नाटका में है। तो मेरा ये यहाँ से बेंगलोर से मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें मशीन से रिलेटेड तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, बट आपको इस काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं। और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे जो हम काम पे आए हैं, क्या काम पे आए हैं, क्या काम यहाँ पे चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा ब्लॉग टाइप का वीडियो है, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं ऑलरेडी कि मशीन से रिलेटेड जान के हमको सब्सक्राइब किए हुए हैं कि ये मशीन का अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है, बढ़िया इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद है। और फ्रेंड्स, जो मुझे सब्सक्राइब नहीं किए वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लेके आते रहेंगे, नए टेक्निक के साथ, नया इन्फॉर्मेशन के साथ, नई मेंटेनेंस के साथ। तो फ्रेंड्स, मेरा ये आज की वीडियो कोई मेंटेनेंस से रिलेटेड तो नहीं है, बट इस वीडियो में आपको वर्क से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम आज आपको देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको ये हम दिखाने वाले हैं, जो हम लोग ड्यूटी आते हैं, ये फॉरेंस वाले का गाड़ी दिया गया है हम लोग को ड्यूटी आने जाने के लिए। ये कैंपर आप देख सकते हैं, फोर व्हील कैंपर है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये फॉरेंस वाले का काम चल रहा है। और अभी हम जीप से उतर के आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जीप है जिसमें हम लोग ड्यूटी आते आने जाने के लिए, डीजल वगैरह के लिए ये जीप है। और बगल में आप देख सकते हैं मशीन चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे काम होता है, और ये काम होते हुए जा रहा है, काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ये बताने वाले हैं कि ये काम क्यों होता है। ये काम इसलिए करवाया जाता है, आप ये पीछे साइड देख सकते हैं, बहुत बड़ा पहाड़ है, ये पूरा पहाड़ है, और इसमें काफ़ी जंगली जानवर है, हाथी शेर सब जानवर है। फॉरेंस वाले यानी कि सरकार द्वारा ये सब काम करवाया जाता है। और फ्रेंड्स, अभी हम नया आए हैं, तो आज मेरा फर्स्ट डे है यहाँ पे। तो अभी हमको मशीन मिला नहीं है, अभी हम चलाएंगे, बट आप यहाँ का पूरा लोकेशन देख सकते हैं, और लोकेशन भी डाल दूंगा मैं किस जगह पे। फ्रेंड्स, इधर मशीन चलाने में काफ़ी इंटरेस्टिंग आता है। आप अगर इधर मशीन चलाने के लिए आ रहे हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, आपको जंगल और पहाड़ी घूमने को खूब मिलेगा, बट जंगली जानवर से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। और ये मशीन चल रही है, आप देख सकते हैं कितना शानदार मिट्टी कटिंग चल रही है, इसको 9 फीट गहराई करना पड़ता है और 9 फीट चौड़ाई,
ताकि जानवर पार ना हो सके, और यही लेवल से कटिंग आपको करते जाना है। अभी आप देख सकते हैं जो कटिंग चालू है, तो फ्रेंड्स जिसको भी इधर आने का है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम में जाके आप फॉलो कर सकते हैं और वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको कांटेक्ट हो जाएगा, आपको वहां कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम में। तो फ्रेंड्स जिसको भी, चाहे आप ऑपरेटर है या हेल्पर है या कोई भी है, इधर अगर आप आना चाहते हैं काम करने के लिए तो आप हमसे कांटेक्ट करके आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की मेरा ब्लॉग यही एंड होता है, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन को लेके। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको मशीन से रिलेटेड जो भी वीडियो देखना है वो आप कमेंट करें।